धनपुर नाम के एक गांव में भिक्षु और लल्लू नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों पुराने सामान उठाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाते थे। भिक्षु बहुत शातिर दिमाग का था, मगर लल्लू दिल का बहुत अच्छा था। दोनों आए दिन डंप यार्ड के पास मिलने वाले चीजें उठाने के बाद अगर कोई अच्छी चीज लालू को मिलती तो वो उन्हें भिक्षु को दे देता था। भिक्षु उन्हें लेकर पुराने सामान खरीदने वाले दुकान में बेच देता था। शाम होते ही दोनों दारू के दुकान को जाते थे। भिक्षु बहुत बड़ा शराबी था, मगर लल्लू को पीने की आदत नहीं थी। भिक्षु जब बैठकर पीता था, इसका पीना कब खत्म होगा, कब मैं घर जाऊं, कहकर इंतजार करते रहता था। शराब पीने के बाद जब भिक्षु नशे में धुत होता था, तब लल्लू, रे अब बस हो गया, घर चलो, कमाए सारे पैसे ऐसे पीते हुए बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए रे, यूं कहता तो भिक्षु, रे किसी को भी किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है रे, सब वो भगवान ही देख लेंगे। सुबह से उस कचरे के ढेर के पास घूमेंगे तो दारू के अलावा और किसकी याद आएगी रे, रे रे 50 रुपए कर्ज दो रे, बाद में दे दूंगा। यूं कहता तो लल्लू गुस्से से उसे पैसे देकर उठकर चला जाता था। एक बार डंप यार्ड में भिक्षु को एक फैन मिला। लल्लू उसे देखकर, रे ये फैन मुझे दे दो रे, मैं इसकी मरम्मत करके इस्तेमाल करूंगा, घर में मेरी बीवी और बच्चे बिना हवा के बहुत परेशान हो रहे हैं, कहा। भिक्षु तब, तुम्हें क्यों दूं, ये मुझे मिला है, मैं ही इसे बेचूंगा, 100 रुपए दोगे तो बोलो इसे दे दूंगा, कहा। लल्लू तब, छी नमक हराम, मेरे पास से तूने कितने बार पैसे लिए थे रे, कमीने कहीं के, कहकर गुस्से से उसे 100 रुपए देकर वो फैन ले लिया। उसे सर्विस दुकान में दिखाए तो दुकान वाला फैन को देखकर, ये तो ठीक है भाई, कुछ रिपेयर की जरूरत नहीं है, कहा। ये सुनकर लल्लू आश्चर्य में पड़ गया। उसे घर लाकर फिट करके स्विच ऑन किया। ठंडी हवा आने की वजह से घर वाले बहुत खुश हुए। इतने में अचानक से फैन के अंदर से पैसे गिरने लगे। ये देखकर वो लोग दंग रह गए। वो फैन तब, बेटा मैं एक चमत्कारी फैन हूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करना मेरा काम है, तुम जितने दिन इन पैसों को तुम्हारे जैसे ही जरूरतमंद लोगों में बांटोगे मैं उतने दिन तुम्हारे साथ रहूँगी, ये काम जब तुम रोक दोगे तभी मैं चली जाऊँगी, बोली। ठीक है कहकर सब उसका नमस्कार किए। अगले दिन लल्लू आधे पैसे लेकर भिक्षु को देकर, रे ये कैसे मिले हैं, कहां पर मिले हैं कहकर मत पूछना, इन पैसों को छुपाकर अच्छे से जियो, मैं कल से काम करने नहीं आऊंगा, कल से गरीब लोगों में पैसे बांटना ही मेरा काम है, कहकर वहां से चला गया। ये देखकर भिक्षु और उसकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गए। तब से वो फैन लल्लू को आए दिन पैसे देने लगा। लल्लू उन्हें गरीबों में बांटने लगा। बचे हुए पैसे छुपाकर एक बड़ा घर और कार खरीदा। उस माया फैन को नए घर में ले गया। एक बार गांव में लल्लू को पैसे बांटते हुए देखकर भिक्षु और उसकी पत्नी जलने लगे। उसकी पत्नी, चिची आप किसी काम के नहीं हैं। उसे देखो उसने कितने पैसे कमाए हैं। पैसे ज्यादा हो गए इसलिए पैसे कैसे बांट रहा है, देखो वो क्या करके पैसे कमाया जी, कहकर पूछी। भिक्षु तब, मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है री, इसका राज क्या है मुझे पता लगाना होगा, कहा। ऐसे वो दोनों लल्लू के खिड़की में से झांक कर देखने लगे। तभी उन्हें फैन में से पैसे गिरते हुए नजर आए। बस उस रात को वो दोनों फैन को चुरा कर अपने घर को ले गए। उसे अपने घर में फिक्स करके, चमत्कारी फैन हमें भी पैसे दो ना, कहकर पूछा। उसकी पत्नी, हाँ हाँ माया फैन, हमें भी उस लल्लू की तरफ बहुत परेशानियां है, हमें भी पैसे दो, बोली। मगर उस फैन में से कुछ नहीं आने के कारण दोनों उदास हो गए। पत्नी तब, लगता है ये दिन में सिर्फ एक बार ही पैसे देगा, लगता है उस लल्लू ने आज के पैसे ले लिए है, कल कोशिश करेंगे, अब सो जाएंगे चलिए, बोली। ऐसे दोनों फैन ऑन करके सो गए। ठीक आधी रात को फैन के अंदर से एक भयानक सा बड़ा हाथ आकर भिक्षु की पत्नी को मारकर गायब हो गया। वो अचानक से उठकर चारों ओर देखकर फिर से सो गई। थोड़ी देर के बाद फिर से फैन के अंदर से हाथ आकर भिक्षु को मारकर गायब हो गया। वो झट से उठकर सर खुजलाकर इधर उधर देखकर फिर से सो गया।
इस बार वो हाथ आकर दोनों को मारने लगा। दोनों उठकर बैठ गए। पत्नी भिक्षु को एक खींच के मारी और क्यों रे बेवड़े कहेंगे, नींद में मुझे क्यों मार रहे हो रे बोली। भिक्षु उसे एक खींच के मारा और क्यों री तुम ही ने मुझे मारकर उल्टा मुझे गाली दोगी कहा। ऐसे दोनों उस पलंग पे ही मारपीट करने लगे। इतने में वो फैन रे नीच कमीनो तुम्हें मैं चाहिए क्या, तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोगों के पास मैं हर किस नहीं रहूंगी, रुकिए तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ कहकर एक हाथ प्रकट होकर दोनों को मारने लगा। बाद में वो फैन गायब होकर फिर से लल्लू के घर में प्रकट हुई।